सीलमपुर हिंसा मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को CAA को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ था और इसी को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू की गई है। तो दिल्ली के सीलमपुर हिंसा मामले में 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मंगलवार को CAA को लेकर हिंसक प्रदर्शन यहां पर हुआ था। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और स्थिति को देखते हुए दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू की गई है। तो दिल्ली के सीलमपुर में हिंसा मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब इस पूरे मामले पर दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू की गई है। तो काफी हिंसा जो है वो देखने को मिली थी। तो सीलमपुर हिंसा में 6 लोग गिरफ्तार, उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू की गई। तो नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ देश के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर इस कानून के विरोध में उतरे लोग और सीलमपुर में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच काफी संघर्ष भी हुआ। दूसरी तरफ जामिया हिंसा पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी, से जुड़ी नई याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी दायर हुई है और अब 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरी चिंताजनक बात है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोग पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। एक बस वो कहते हैं ना कि कहावत है, कौवा कान लेके चला गया तो बस कौवा के पीछे भाग रहे हैं, कान कोई नहीं देख रहा है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, अभी भी कर रहा हूं, कि आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दें। प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को कह रहे हैं और हम लगातार अपने क्षेत्र की जानकारी भी ले रहे हैं, वहां पे जाकर के भी, और आज भी वहां पे मैं रहूंगा। लगातार हमारी कोशिश है, ज्वाइंट सीपी से बात हो रही है, पुलिस पर्सनल से बात हो रही है। हम हर तरह से, हम कभी नहीं चाहते हैं कि लोगों के बीच हिंसक झड़प हो। ऐसी शांति में किसी को प्रोटेस्ट करना हो करो, उसमें सहयोग भी करेगी पुलिस आपको, सबको। लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है। नहीं समझ में आता है तो समझने का अधिकार है। हम समझाने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही जो चिंताजनक बात है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोग इसमें आग में घी छिड़क रहे हैं, कांग्रेस के लोग आग में घी छिड़क रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई है। CAA में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारत के लोगों से संबंधित हो, ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भारत के नागरिकों से कोई मतलब ही नहीं है। और ये एक्ट जो है वो नागरिकता देने का एक्ट है, किसी की नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है। तो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोग हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ प्रताड़ित शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल हो, सोनिया जी हो, राहुल गांधी हो, ये जो भी लोग हैं, मैं BJP प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर दम है तो आप स्पष्ट रूप से आकर के कहो कि जो पाकिस्तान से लोग आएंगे उनको भी आप नागरिकता दोगे। आप बोलो, अरविंद केजरीवाल जी छुप के राजनीति मत करो। कांग्रेस के लोगों, ये सुभाष चोपड़ा जी हो, अरविंदर लवली हो, जो लोग भी हो, आप सामने आकर के बात करो। आप में अगर साहस है तो, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी दिल्ली में कहता हूं कि अगर साहस है तो आप घोषित करो कि यहां जो इलीगल घुसपैठिए आए हैं, जो एक साजिश के तहत आए हैं, उनको आप भारत की नागरिकता दोगे। अगर बोल सकते हो तो बोलो, वरना ऐसे दे दिल्ली में और देश में आग लगाने की कोशिश मत करो। एक सांसद के तौर पे अपने क्षेत्र के लिए कुछ शांति की अपील करना चाहेंगे? मैं लगातार अपनी वीडियो भी बना रहा हूं और मैं थ्रू ANI आज अभी अपने सभी लोकसभा के लोगों से प्रार्थना करता हूं। आपको कोई भी संशय हो तो आओ ना, आपके सांसद का घर खुला हुआ है, आप अपने सांसद को कहीं बुला लो, हम बैठ करके आपको पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट समझाते हैं। प्लीज इस तरह से हिंसक प्रोटेस्ट मत करो, क्योंकि हम तो सुखमय खुशमय दिल्ली और देश बनाना चाहते हैं। इसमें किसी के अफवाहों के कारण आप मत उबलिए, जरूरत है तो हमसे बात करिए, शांति बनाइए।